पाकिस्तानी ब्लॉगर बना हिंदू। भगवान कृष्ण ने जब एक पाकिस्तानी का थाम लिया हाथ, आईएसआई के चंगुल से उस पाकिस्तानी को निकाल लिया बाहर। आईएसआई के चंगुल से बाहर आते ही मुसलमान से हिंदू बन गया वो पाकिस्तानी। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में मौजूद हिंदू विरोधी मौलानाओं की साठगांठ के बारे में सभी जानते हैं। ये लोग पाकिस्तानी हिंदुओं को मुसलमान बनाने की मुहिम चलाकर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना चुके हैं। लेकिन आपको तब बेहद हैरानी होगी जब पता चलेगा कि आईएसआई की वजह से एक पाकिस्तानी मुसलमान ने सनातन धर्म को अपना लिया। हिंदू बनने के बाद इस पाकिस्तानी मुसलमान ने कहा कि उसने धर्मांतरण नहीं बल्कि घर वापसी की है। हमारे दादा दादी ने जो भूल की थी उसे मैंने सुधार लिया है। उसने कहा, दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं है। मजहब के आधार पर बने इस मुल्क की दुनिया को कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, आपको मुसलमान से हिंदू बने इस पाकिस्तानी की पूरी दास्तान सुनाएंगे, जिसका हर वाक्या आपको अचरज से भर देगा। आप देखते रहिए द कर्मा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों, मुसलमान से हिंदू बनने की ये दास्तान मशहूर पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहम्मद शाइन अली की है। इस दास्तान की शुरुआत ही एक बड़ी ट्रेजेडी से होती है, जब अचानक एक हंसता खेलता मीडिया इन्फ्लुएंसर आईएसआई के थर्ड डिग्री टॉर्चर से हलकान हो जाता है। टॉर्चर का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब आईएसआई ने सोशल मीडिया पर हिट इस इन्फ्लुएंसर के जरिए अपना उल्लू सीधा करना चाहा। शाइन अली का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों ने उससे कहा कि कश्मीर पर एक पीआर म्यूजिक वीडियो में वो भी पार्टिसिपेट करे। शाइन ने जब इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उन पर दबाव डाला जाने लगा। इसके बाद भी जब शाइन अली टस से मस नहीं हुए, तब आईएसआई ने अपना राक्षसी रूप दिखाना शुरू किया। शाइन के मुताबिक उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट और यहूदी एजेंट बताकर टॉर्चर शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आईएसआई ने शाइन का इतना टॉर्चर किया कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए। भयानक टॉर्चर के बाद वे डिप्रेशन में चले गए। शाइन के मुताबिक आईएसआई ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। उन्हें लगने लगा कि अगर वो तुरंत पाकिस्तान से बाहर नहीं गए तो उनकी जान चली जाएगी। आखिरकार 2019 में शाइन अली ने पाकिस्तान छोड़ दिया। डिप्रेशन की हालत में ही वे विदेश पहुंचे। उनकी मानसिक हालत बहुत खराब थी। तभी उनके जीवन में आशा की किरण चमकी। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया है। शाइन ने खुद कहा कि वे टूट चुके थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। वे भगवान कृष्ण जो उनके पूर्वजों के भी भगवान थे। इस घटना के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की सनातन संस्कृति को करीब 2 साल बाद बेहद करीब से अनुभव किया और फिर 15 जून 2023 को उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करने वाली जानकारी दी कि उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। दोस्तों, शाइन ने सोशल मीडिया पर माथे पर तिलक लगी फोटो शेयर करते हुए लिखा, पैदाइश से पाकिस्तानी, दिल से हिंदुस्तानी। अपने ट्वीट में शाइन अली ने लिखा, करीब 2 साल अपने पूर्वजों की संस्कृति और जीवन शैली का पालन करने के बाद आज मैं घर वापसी कर रहा हूँ। भरोसा जताने के लिए मैं इस्कॉन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द अपनी मातृभूमि भारत आऊँगा, जहाँ मेरे दादा दादी और मेरे सभी पूर्वज पैदा हुए थे। मैं खुद को अपनी मिट्टी और अपने लोगों को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि आखिर घर तो घर ही होता है। अपनी पोस्ट में शाइन अली ने आगे लिखा, एक सनातनी के तौर पर मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी दूसरे मजहब के खिलाफ कोई भावना नहीं रखता। मैं आप सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि आप भी मेरे भरोसे का सम्मान करें, क्योंकि मेरी गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मत को मानने वाला हो। शाइन ने ये भी लिखा कि इस खास दिन पर मैं उन सभी लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूं जिन्हें मैंने जानबूझकर या अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को कष्ट पहुंचाकर अपने जीवन के इस खूबसूरत सफर को शुरू करूं। मुझे आज अपनी जड़ों की तरफ लौटने पर खुद पर गर्व हो रहा है। उम्मीद है कि मेरे पुरखों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। आप सभी को प्यार, हरे कृष्ण। दोस्तों, शायन अली के ट्विटर हैंडल पर उनका एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म की यही खासियत है कि इसे दूसरे लोग खुद अपनी मर्जी से अपनाते हैं। लोगों पर इसके लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाता, इसलिए दूसरे धर्मों से सनातन धर्म में आने वाले लोगों की तादाद कम नजर आती है। लेकिन आज जब सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है, तो लोगों को सोशल मीडिया पर सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं। इस वजह से अब दूसरे धर्मों के लोग भी सनातन धर्म की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और बिना किसी दबाव या लालच के इसकी खासियत देखकर इसे अपना रहे हैं। दोस्तों, सनातन के कई मनीषियों ने भविष्यवाणी की है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब पूरे संसार में सनातन का परचम लहराएगा। उनका मानना है कि किसी जोर जबरदस्ती के बिना लोग खुद आकर सनातन को अपनाएंगे। उनका तर्क है कि सनातन संसार के हर शख्स की जड़ है, इसलिए सनातन में हर शख्स को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। उनका मानना है कि दूसरे धर्मों का आदि है, इसलिए उनका अंत भी है, जबकि सनातन का अर्थ ही है जिसका न आदि है और न अंत, जो सदा है, और इसीलिए सनातन में सबको समाहित करने की क्षमता है। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मुसलमान से हिंदू बनने पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।